हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आप DSLR कैमरे से फोटोग्राफी करना सीखेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। DSLR कैमरे से फ़ोटो क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपको लेंस लगा देना है। लेंस लगाना बहुत ही आसान है। इस बटन को प्रेस करके ये दोनों जो वाइट डॉट्स है इन्हें आमने सामने रखकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जैसे ही क्लिक साउंड आ गया मतलब आपका लेंस अटैच हो चुका है। अगर आप बिल्कुल नए हो और फर्स्ट टाइम कैमरा हाथ में लिया है तो आपको बता दूं कि यहाँ से जो है कैमरे को ऑन किया जाता है। ये जो डायल है इस डायल को घुमाकर मोड सेट किया जाता है। काफ़ी सारे मोड्स हैं इस कैमरे में। मैं हमेशा मैनुअल मोड यूज़ करता हूँ। जब आप सारे फीचर समझ जाओगे तो आप मैनुअल मोड ईजिली यूज़ कर पाओगे। फिलहाल आपको ऑटो मोड पर फोटो कैसे क्लिक करते हैं बता देता हूँ। ये जो लेंस पर रिंग है इसे घुमाने पर जूम इन जूम आउट होता है। अगर आप ग्रुप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आप 18mm पर सेट कीजिए और अगर आप इंडिविजुअल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है आपको तो आप 55mm पर सेट कर दीजिए। इस व्यू फाइंडर में से देखकर फोटोग्राफी करनी है तो आप इसमें से देखकर भी फोटोग्राफी कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले पर देखकर फोटो क्लिक करना है तो आपको लाइव व्यू मोड एक्टिवेट करना है। तो इस लीवर को पुल करने पर आपका डिस्प्ले एक्टिवेट हो जाता है और आपको एक्चुअल फुटेज आपके डिस्प्ले पर दिखाई देती है। अभी जो ग्रीन बॉक्स है इसे फोकस स्क्वायर कहते हैं। इसे आप मूव भी कर सकते हो। तो अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो तो इसे सब्जेक्ट के फेस पर सेट कीजिए, जिससे आपके सब्जेक्ट का फेस जो है फोकस में आएगा। उसके बाद ये जो बटन है इसे हाफ प्रेस कीजिए, आपको एक बीप सुनाई देगी। बीप का मतलब आपका फोकस जो है आपके सब्जेक्ट के फेस पर लॉक हो चुका है। उसे तुरंत बाद आपको इस बटन को फुल प्रेस करना है। जैसे आप फुल प्रेस करोगे आपका फोटो जो है क्लिक हो जाएगा। फोटो सही आया है या नहीं देखने के लिए आप इस प्ले बटन को प्रेस कीजिए और जैसे आपका फोटो सामने आता है तो उसे आप जूम इन जूम आउट कर भी चेक कर सकते हो कि आपका फोटो क्लियर आया है या नहीं। अगर आपका फोटो डार्क आ रहा है तो आप इस बटन को दबाकर फ्लैश एक्टिवेट कर भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपकी फोटो जो है ब्राइट आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। DSLR के सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है।